Hello everyone, I'm Dr. Surabhi Gupta, your pediatrician. I'm back after a long time. Sorry for this delay, but finally I'm back and with very important topic of diet. डाइट चार्ट के बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं और हर कोई जानना चाहता है एक लिखा हुआ डाइट चार्ट जिसे वो पेरेंट्स मदर्स अपने बच्चे के लिए इजीली फॉलो कर सकें। तो आज हम इसी टॉपिक के साथ अपनी शुरुआत करेंगे और क्योंकि ये हर एज ग्रुप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जाता है तो हम इसे कई सारे पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज ये होगा मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो का जिसमें हम कवर करेंगे 6 to 8 months के बेबीज को, 6 से 8 महीने के बच्चों को जिनको हमें शुरुआत में फीड स्टार्ट करना होता है, ऊपर का अनाज और बाकी सब चीजें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं जानने के लिए अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में सबसे पहले। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम लास्ट में जाकर के जो डाइट चार्ट का एक प्लान है, सैंपल प्लान पूरे वीक का जो आप बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं वो हम इसमें बताएंगे। तो वो एंड तक आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। इससे पहले मैं डेमोंस्ट्रेट करूंगी कुछ रेसिपीज या कुछ आइडियाज जो आप लोग इजीली घर पे बना सकते हैं, जो कि हमारे इंडियन फैमिलीज में इजीली चीजें मिल जाती हैं और हमारे मदर्स को बनाना भी आता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, इस टॉपिक में मैं सिर्फ डाइट की वैरायटीज हैं जो बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन दे सकें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, वो ही मैं बताऊंगी। बच्चे को कितना अमाउंट देना है, कैसे कैसे शुरू करना है, ये मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, बेबीज फर्स्ट फूड। तो वो जाकर के पहले देखें कि तरीका क्या है देने का, देना कैसे है, कितना कितना अमाउंट स्टार्ट करना है, किस तरह का टेक्सचर बच्चा ले पाएगा, वो जानकारी भी आपको जरूर होनी चाहिए क्योंकि हम बच्चे को पहली बार फूड दे रहे हैं। तो वो फर्स्ट देखें, फिर क्या क्या वैरायटीज हमें देनी है, कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स को बढ़ाना है, वो मैं आज बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 months का बच्चा है, डेफिनेटली वो ब्रेस्ट फीड ही कर रहा है और उसको फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीड या किन्हीं कारणों से अगर आप टॉप फीड दे रहे हैं तो वो दें। सुबह उठे फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरनाइट भी बच्चे ने बीच बीच में ब्रेस्ट फीड लिया है लेकिन सुबह जैसे ही आप उठ रहे हैं काम के लिए या फिर बेबी जग गया है, एक बार उसे पेट भर के अच्छे से ब्रेस्ट फीड करा दीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट वीक है बच्चे का, 6 महीने का हो गया है बच्चा, पहला हफ्ता है, पहले हफ्ते में सिर्फ एक ही चीज ऐड करनी है, वो या तो चावल की खीर हो सकती है, सूजी हो सकता है या एप्पल मैश किया हुआ उबाला हुआ हो सकता है, इनमें से कोई एक चीज चुन लीजिए और कोशिश करिए पहली बार अनाज ही आप इंट्रोड्यूस करें ताकि 6 महीने के एज में ये कहा जाता है साइंटिफिकली कि आपको अनाज ऐड कर देना चाहिए ताकि बच्चे को उससे कोई सेंसिटिविटी के चांसेस अगर है तो पता चल जाए और सही टाइम पर ऐड करने पर सेंसिटिविटी के चांसेस कम होते हैं। तो फिर सूजी की खीर बनाना हमें आता है, सूजी को हल्के घी में पहले से भून करके रख लीजिए। उसके बाद बच्चे को ऊपर का दूध देना है तो अभी काउ मिल्क नहीं ऐड करेंगे, 6 months पे काउ मिल्क ऐड करने से एलर्जी के चांसेस रहते हैं। सिंपल बफेलो का जो टोन मिल्क आता है उसमें हमें सूजी की खीर बनानी है और कंसिस्टेंसी, क्योंकि अभी तक बच्चे ने सिर्फ दूध पिया है वो गाढ़ी चीज नहीं ले पाएगा, तो कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, एकदम आपने सूजी का खीर बनाया जब मैं इसे गिराया तो दूध की तरह ही गिरना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए। तो आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दिया है एक बार, हो सके शायद अगर जरूरत पड़े तो 2 बार भी, फिर जब बच्चा भूखा है तो वो आपने कटोरी में ले लिया, स्पून से छोटा सा स्पून होना चाहिए क्योंकि बच्चे का माउथ बहुत छोटा है, आप अपने जैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और वो लिक्विड बच्चे को मुंह में डालना है, लिक्विड और उसमें थोड़ा सा सूजी का खीर मिला हुआ है, सूजी मिला हुआ है, थोड़ी सी चीनी मिली हुई है। मैंने पहले भी अपने 2-3 वीडियोस में बताया है, मैं फिर बताऊंगी, बच्चे को चीनी और नमक बहुत थोड़ा थोड़ा देना है, 1 साल तक बहुत कम, उसको बस हल्का सा फ्लेवर आए इतना ही, और टेस्ट मिक्स नहीं करना है, सूजी खीर मीठी तो सिर्फ मीठी, उसमें कोई और सॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं ऐड करेंगे। वो आपने दिया, फर्स्ट टाइम दिया थोड़ा सा 2-3 स्पून जितना लेना चाहे, फिर 2 घंटे बाद फिर से ब्रेस्ट फीड कराएंगे, फिर से 2 घंटे बाद सूजी की खीर फ्रेश बनाएंगे, और अगर रखा हुआ है तो आप 4 आवर्स तक दे सकते हो, फर्स्ट टाइम अभी नया है बच्चा नया नया तो कोशिश करिए फ्रेश ही बना के दीजिए, पुराना मत यूज करिए। फिर से आपने वही सूजी का खीर उतना ही पतला थोड़े से अमाउंट में बनाया, 2-3 स्पून बच्चे को दिया,
फिर से आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया, फर्स्ट डे सिर्फ 2 टाइम्स मैक्सिमम, और अगर बच्चे को लग रहा है टॉलरेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो सिर्फ एक ही बार दीजिए। अब नेक्स्ट डे आएंगे, नेक्स्ट डे भी बच्चे को आपने सेम सूजी का खीर दिया 2 टाइम, पहले अगर 2-3 स्पून दिया था तो आज 4-5 स्पून देंगे। थर्ड डे भी आएंगे तो थर्ड डे भी आप सेम चीज फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे, आपने 1 और 2 टाइम सूजी का खीर दिया, आप नेक्स्ट चीज एक और ऐड कर लो, एप्पल। एप्पल को कैसे देंगे, उसको छील लिया, हल्का सा स्टीम दे दिया या फिर बॉयल कर लिया कुकर में, हल्का एक सीटी थोड़ा सा पानी डाल के एक सीटी लगा दिया, उसके उसको अच्छे से मैश कर दिया, ठीक है। उसको सिंपल ऐसे ही मैश्ड एप्पल खिलाना है 2-3 स्पून जितना भी खाया। थर्ड डे हमारे पास 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए, फिर इसी को 2-3 दिन फॉलो करेंगे। 1 वीक तक आते आते आप 7th डे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, राइस का खीर या फिर बहुत ही फाइन मैश किया हुआ पतला पतला रोटी, उसको अरहर मूंग की दाल में या अरहर की दाल में अच्छे से मैश करके वो थोड़ा सा 1-2 स्पून। तो 1 वीक तक आते आते 2 और 3 इंग्रेडिएंट्स बच्चे ने ले लिया। अभी आप नेक्स्ट वीक भी यही तीनों फॉलो करते रहिए और लास्ट में आकर के एक चीज और ऐड कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, वो चावल की खीर हो सकती है या रागी का हलवा हो सकता है या फिर बनाना मैश्ड हो सकता है। ये सारे किस किस टाइम पर क्या क्या देना है, मैं जैसे ही डाइट चार्ट आप लास्ट में देखेंगे उसमें आपको वैरायटीज और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो 7 मंथ तक आते आते बच्चे ने एकदम मैश्ड ये सब लिया है। अब 7 मंथ में क्या होता है, बच्चे के मसूड़े भी फूल जाते हैं, इवन कई बार बच्चों के 1-2 टीथ भी निकल आते हैं, तो अब बच्चा थोड़ा सा च्यू करेगा। देखिए कोशिश करिए बच्चे को स्टार्टिंग से ही च्यू की हैबिट डालिए, तो टेक्सचर थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। जो चीज आप एकदम आप मैश करके दे रहे थे उसको, जैसे एप्पल पहले आपने क्या किया था, बॉयल किया था, अब उसको क्या करिए ग्रेट करके दे दीजिए। तो ग्रेट करेगा तो बच्चा च्यू करेगा, पहले रोटी को एकदम महीन मैश किया था, अब थोड़ा सा मोटा रखे दाल में भिगो करके फिर उसको दे दीजिए। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, नई नई चीजें ऐड करिए, पालक का सूप ऐड करिए, पोहे को दूध में भिगो करके वो खिलाइए, और वैरायटी ऑफ जो हलवा और खीर होते हैं, इवन पूरी होता है, आलू का पराठा होता है, आलू का पूरी होता है, वो भी आप खाने में ऐड करिए। देखिए अभी 6-8 मंथ्स में बच्चे को हम बहुत ज्यादा हैवी फैट नहीं दे सकते, अभी हम एग नहीं दे सकते हैं, तो इनको आपको अवॉइड करना है। ये सब चीजें हम 9 मंथ के बाद ऐड करेंगे। अभी सिर्फ बच्चे को नए नए डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स वो कराने हैं, तो स्वीट भी दीजिए, सॉल्ट भी दीजिए, और कुछ जैसे वेजिटेबल्स होती हैं आप उनको महीन महीन ग्रेट कर लीजिए। छोटे वाला जो ग्रेटर होता है फाइन वाला, उससे गाजर है, शिमला मिर्च है, बीन्स है, उनको ग्रेट कर लिया। फिर क्या क्या आपने दलिया ले लिया, 1 स्पून दलिया लिया और थोड़ा थोड़ा सा ये सारा लेकर के वेजिटेबल दलिया बना लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली भी, इवन थोड़ी सी ग्रीन चिली भी, जिससे उसको बच्चे को तीखे का भी फ्लेवर आए। और तीखा जो होता है ये हेल्प करता है टंग ट्विस्टिंग में, और इससे बच्चे की जो बोलने की क्षमता है वो भी जल्दी डेवलप होती है, तो आप तीखा जरूर ऐड करिए और वो बच्चे को जितना स्पून वो लेना चाहे वो दीजिए। तो फिर ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, और फ्रूट्स में भी आप कई सारे जैसे जूसेस हैं वो फ्रूट्स के दे सकते हैं, जैसे ग्रेप का जूस है, एप्पल का जूस है, और पोमग्रेनेट अनार का जूस है, क्योंकि अनार में दाने में बीज होता है, वो हम बच्चे को अभी नहीं देंगे, उसका हम जूस निकाल करके वो बच्चे को दे सकते हैं। हाँ, और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने एक डाइट अनाज का दिया है तो एक डाइट फ्रूट का दीजिए, उसके बाद एक डाइट फिर अनाज का दीजिए। अगर आपने लगातार 2 फ्रूट डाइट कभी मत दीजिए, क्योंकि वो बच्चे को बहुत हल्का लगता है और बच्चे को भूख बार बार लगेगी, तो बीच में अनाज भी दीजिए, बीच में फ्रूट्स भी दीजिए, वेजिटेबल्स भी दीजिए, सारे चीजों को इंग्रेडिएंट जरूर बनाइए। और हाँ, 6 से 8 महीने का बच्चा अभी भी अधिकतर मात्रा में माँ का ही दूध लेगा, तो फिर चिंता ना करें, माँ का दूध आप बार बार पिलाएं, फिर भी बच्चे को जो भी थोड़ा बहुत आप खाने के लिए दे रहे हैं उससे बच्चे की जो हैबिट्स हैं वो बन जाएंगी। इन सब चीजों का ध्यान रखिए, और आगे के मेरे वीडियो में डाइट चार्ट जो पूरे वीक का है वो 6-8 मंथ्स में आपको कैसे फॉलो करना है वो मैंने बताया हुआ है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने पास, ताकि जब भी आप भूल जाएं तो आप वहां से देख करके फॉलो कर लें। इसका एक अच्छा तरीका ये भी, एक अच्छे से पेपर में आप अपनी राइटिंग में क्लीन किचन में लगा करके पेस्ट कर लीजिए, जब भी आप बनाने जा रहे हैं उसमें से जो भी वैरायटी आपके पास उस टाइम अवेलेबल है वो लिया, इकट्ठा किया और फटाफट बना करके बच्चे को दे दिया। बहुत ध्यान रखिए कि
कोशिश करिए आप ही वो बनाए, किसी और से ना हेल्प लें ताकि हाइजीन मेंटेन हो सके। इस टाइम पे बच्चे को जब आप ऊपर का खाना दे रहे हैं तो फिर गंदगी पेट में पहुंचने के बहुत चांसेस रहते हैं। हैंड वॉशिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं उनको अच्छे से क्लीन करिए, उसके बाद चॉप करिए। चॉपिंग के लिए जो एरिया चॉपिंग बोर्ड आप ले रहे हैं, जो नाइफ ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। जिस बर्तन में आप बच्चे को खिला रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए ताकि बच्चे को कोई इस खाने के थ्रू इन्फेक्शन ना हो। हाँ, अगर आप बच्चे को खाना दे रहे हैं और आपको लग रहा है टॉलरेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखा करके संपर्क करिए। कोई एबनॉर्मल बात तो नहीं है, थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है कि पॉटी टाइट हो गया या थोड़ा बहुत पॉटी लूज हो गया, वो धीरे धीरे बच्चा ठीक कर लेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने 2-3 सैंपल्स दिए हैं डाइट चार्ट्स के, वो आप फॉलो करिए और इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो अभी आगे वीडियो कंटिन्यूड है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे आई केयर माई चाइल्ड चैनल को, और दूसरों से शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करिए और लोगों को सजेस्ट करें। अगर आपको लगता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो डेफिनेटली आपके और भी फ्रेंड्स हैं, नोन टू हैं, उनके लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल होगा। तो इसकी जानकारी औरों को भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, मेरा वेबसाइट चैनल भी है, वेबसाइट पर जाकर के भी आप क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, उससे आपको हेल्प मिल सकती है और ये सारे वीडियोस दिए हुए हैं। और आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो जाकर के मेरी वेबसाइट पर ही पूछना है। मेरी वेबसाइट का लिंक है ikmhl.co.in, वहाँ पे क्वेरी वाले पेज में जाकर आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।